आज की वीडियो में हम जानेंगे लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। अगर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है तो उस नंबर को कैसे निकाला जा सकता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ आपको टाइप करना है परिवहन, उसके बाद यहाँ होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, ये लिखा हुआ, यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आएंगे, यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये मेरा लाइसेंस नंबर है। उसके बाद नीचे आएंगे इसका स्टेटस जानने के लिए हम, ये अप्रूव हो चुका है। देखिए ये कब डेट दिया गया है, कब कहाँ क्या चीज़ अप्रूव हुआ था, पूरा डेट दिया गया, कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस एट RTO लेवल में, अभी है मेरा प्रिंटिंग ऑफ DL फॉर्म 7 काउंटर नंबर 2 पे मेरा प्रिंटिंग हो चुका है। हम यहाँ से भी मोर पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा स्टेटस यहाँ डिस्पैच स्टेटस पेंडिंग है अभी, तो अभी मेरा डिस्पैच नहीं हुआ है, जब होगा तो आ जाएगा मेरे पास। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर नहीं है या खो गया है तो उसको फाइंड करने का तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ होम पे ही आना होगा, यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ अदर पे जाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ फाइंड एप्लीकेशन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टेट अपना चूज़ करेंगे, आपका जो भी स्टेट है चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ अगर बिहार से हैं तो BR लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से RTO अपना सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा RTO है कटिहार, हम अपना RTO यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। RTO सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ RTO कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अपना यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम कोई है तो यहाँ डालेंगे, उसमें लास्ट नेम डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर जो दिए थे वो डाल देंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ डाल के सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ देखिएगा, आपका यहाँ पूरा रिकॉर्ड रहेगा एकदम पूरा। देखिए हम ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए हैं, 2-व्हीलर का तो उसका भी रिकॉर्ड है, 4-व्हीलर का भी रिकॉर्ड है, और इसमें 2-व्हीलर का लर्नर लाइसेंस का भी रिकॉर्ड है, और 2-व्हीलर का 4-व्हीलर का लर्नर लाइसेंस का भी रिकॉर्ड है। तो आपको जिसका भी एप्लीकेशन नंबर चाहिए आप उससे यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का लर्निंग ये एप्लीकेशन नंबर चाहिए, तो हम यहाँ गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना आपका मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ डालेंगे, उसका सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबमिट करेंगे हम, सबमिट करते ही देखिए मेरे पास अभी यहाँ एप्लीकेशन नंबर देखिए यहाँ आ गया। आपका SMS भी सेंड कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मेरे पास यहाँ पर भी आ गया है। हम इसको नोट करके फिर से हम यहीं से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।